अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। एल रमना और दिगर तीन अरकान ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से लिया हलफ। हैदराबाद में गवर्नमेंट टीचर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। और मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 286,000 से जायद नए केसेस और 573 हलाकतें। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 9 मुंतखब अरकान काउंसिल एल रमना और दिगर 3 अरकान पी महिंदर रेड्डी, के नारायण रेड्डी, यादव रेड्डी ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटियम चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उन तमाम को हलफ दिलवाया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दिगर मौजूद थे। असातिज़ा बरादरी में सेहत और खेलों के फ़रोग़ के लिए गवर्नमेंट टीचर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर हैदराबाद के सरकारी असातिज़ा की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। स्टेट टीचर्स यूनियन इंडियन रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाली मखदूम मुहियुद्दीन क्रिकेट क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की और टूर्नामेंट की दूसरी पसंदीदा टीम का दर्जा हासिल किया। इंतहाई कम वक्त में मखदूम मुहियुद्दीन क्रिकेट क्लब की शानदार और बेमिसाल कारकर्दगी पर महकमे तालीमात के अफसरान की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। हैदराबाद के पुराने शहर में सेल फोन के मसले पर दो सगे भाइयों के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई चाकू जनी तक पहुंच गई। इस लड़ाई में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ जमाल बंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल जावीद और 22 साल आसिफ दो सगे भाई हैं। कुछ दिनों से बड़ा भाई छोटे भाई का सेल फोन इस्तेमाल कर रहा था। फ़ोन वापस देने के मामले में उन दोनों में झगड़ा हो गया और छोटे भाई आसिफ ने गुस्से की हालत में जावीद पर चाकू से हमला कर दिया। उस हमले में जावीद जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों पर नाफिज आर्ड इवन सिस्टम खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जराए ने बताया कि जुमेरात के रोज़ मीटिंग में दिल्ली के बाजारों की दुकानात में नाफिज ताग जुफ्त के फार्मूले को हटाने के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया गया है। हालांकि रात का कर्फ्यू पहले ही की तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल 50% गुंजाइश के साथ खुले रहेंगे। शादी की तकरीब में भी 200 अफराद की शिरकत पर रियायत होगी। दिल्ली में सरकारी दफातर 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे। स्कूल्स और तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया है और वो अगले अहकाम तक बंद रहेंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खेज कोरोना वायरस से शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं और उसी अरसे के दौरान जानलेवा वबा के 286,384 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 306,357 अफराद ने इस जानलेवा वबा को शिकस्त दी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,35,267 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। उसके साथ ही जुमेरात की सुबह 7 बजे तक 1,63,84,39,207 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब मार्केट में दस्तियाब होगी। इत्तलात हैं कि एक डोज की कीमत 275 रुपये हो सकती है। सर्विस चार्ज के तौर पर मजीद 150 रुपये अदा करने होंगे। खानगी हॉस्पिटल में कोवैक्सीन डोज की कीमत 1200 रुपये और कोविशील्ड की कीमत 780 रुपये है। इसके अलावा 150 रुपये इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटी का ये मकसद है कि वैक्सीन की कीमत आम आदमी की दस्तरस में हो। हाल ही में माहरीन की कमेटी ने बालिग आबादी के लिए शरायत के साथ कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बाकायदा मार्केट मंजूरी की सिफारिश की है। एक ट्वीट में अद्वियात के मेयारात पर काबू पाने के इदारे ने बताया था कि माहिरीन की कमेटी ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मेयार को बेहतर बनाने के लिए उसके हंगामी हालात में शरायत के साथ इस्तेमाल की सिफारिश की है, ताकि बालिग आबादी में शरायत के साथ नई दवा की मंजूरी हासिल की जा सके। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने कोवैक्सीन टीके के लिए कोविशील्ड और भारत बायोटेक के मार्केट मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे कबूल कर लिया गया है।
मरकजी वजीर ज़िरात नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को कहा कि हमारा मकसद एक ही है कि ज़िरात को तरक्की याफ्ता और मुनाफा बख्श बनाया जाए, पैदावार में इजाफा हो और किसानों की मैयार ज़िंदगी में तब्दीली आए, जिसके लिए नई अकसाम का इस्तेमाल भी रियासतों को मनसूबा बंद तरीके से करना चाहिए। मौसम गर्मा की मुहिम के लिए कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस तोमर की सदारत में मुनक़िद हुई। कांग्रेस ने नौजवानों से पुरअम तहरीक चलाने की अपील करते हुए कहा है कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है, इसलिए तहरीक पर तशद्दुद नहीं होनी चाहिए और हुकूमत को भी बेरोज़गार नौजवानों से बात करके मसले का हल निकालना चाहिए। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनियत ने जुमेरात को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की नाकामी की वजह से मुल्क के नौजवान गुस्से में हैं। रूस और यूक्रेन में जंग के खतरे को देखते हुए अमेरिका एक्शन मोड में है। अमेरिका ने मंगल को 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है। ये मिसाइलें मेन पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेनी फौजी कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बनकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जंग की सूरत में ये मिसाइल रूसी फौज के लिए बड़ी मुश्किल का बाज बन सकते हैं। ताहम रूस ने अपने टैंकों पर एक्सप्लोजोरी एक्टिव आर्मर नस्ब कर रखा है, जो दुश्मन के मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। अमेरिकी सिफारतखाने ने ट्वीट करके बताया कि आज रात सदर जो बाइडन से मंजूर शुदा $200 मिलियन की तीसरी खेप क्यू पहुंच गई है। हम यूक्रेन को हर मुमकिन मदद फ्राहम करते रहेंगे। अम्बेडकर न्यूज़ के अख्तिताम से खबर, दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। एल रमना और दिगर तीन अरकान ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन की हैसियत से लिया हलफ। हैदराबाद में गवर्नमेंट टीचर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। और मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 286,000 से जायद नए केसेस और 573 हलाकतें। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पज़ीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।